Hello, everyone. Good evening. अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज जस्ट कंफर्म कीजिए क्या मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं. ओके यस यस ओके थैंक यू एवरीवन गुड ओके कहाँ कहाँ से जुड़ गए हैं सब सभी कहाँ कहाँ से आप जस्ट कंफर्म कीजिए. उड़ीसा बिहार गुड दिल्ली महाराष्ट्र गुड इवनिंग अजीत जी गुड इवनिंग राजस्थान उत्तराखंड रांची न्यू दिल्ली महाराष्ट्र आंध्र नागपुर ओके गाइस सांगली गुड इवनिंग दिनेश जी बिहार ओके ग्रेट गाइस लातूर उड़ीसा उमरकोटे अब मेरा पहला वीडियो देखिएगा वहां पर बताया हमने कहां से हमने ओके गाइस गुड ये हमारा वेबिनार टू है गाइस हमने चार वेबिनार की सीरीज की है जून मंथ में पहला वेबिनार हम कर चुके हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कौन कौन थे पहले वेबिनार में सभी थे पहले वेबिनार में ये हमारा दूसरा वेबिनार है जो हम कर रहे हैं ये कोई है मतलब की सेकेंड न्यू पर्सन आ रहे हैं ग्रेट मोस्टली आप सभी थे ओके न्यू नो नो ओके So, कुछ न्यू पर्सन भी है ओके अगर आप मिस कर गए हैं तो आने वाले दिनों में उसको मैं यूट्यूब पर डाल दूं आप उसको जरूर देखिएगा वहां पर ट्रेडर साइकोलॉजी के ऊपर हमने बात की थी डेवलपिंग योर माइंडसेट क्या प्रॉब्लम आती है क्या चीजें हम सीखते हैं और यहाँ पर हम सेकंड ये चार्ट पैटर्न तो ऐसा कुछ नहीं है कि लिंक है एक दूसरे से तो वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट था ये दूसरा टॉपिक है और यहाँ पर हम थोड़ा टेक्निकल के बारे में बात करेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आपने पहला वेबिनार मिस कर दिया है तो आप उसको बाद में देख सकते हैं यूट्यूब पर ओके गाइस तो यहाँ पर हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में तो ये हमारा सेकंड वेबिनार है और दो वेबिनार नेक्स्ट वीक में होंगे जो ट्यूजडे और थर्सडे को होंगे जैसा ये टिकमिल ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है वेबिनार को तो जस्ट अगर आपका अकाउंट है आप किसी ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं कहाँ पे अकाउंट खोलना है तो आप टिकमिल को यूज कर सकते हैं अगर आप अकाउंट मेरी मेंबरशिप में खोलना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है मेरे यूट्यूब पर कहीं से भी खोल सकते हैं कोई इश्यू आता है प्रॉब्लम आती है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल में या फिर इंस्टाग्राम पर यहाँ पर जो भी हम प्रोवाइड करते हैं जो भी मटेरियल होता है जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए तो डिस्क्लेमर है कि आप इसके बेस पे जस्ट कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें तो अपनी अपने जो साउंड डिसीजन है वो अपने एनालिसिस के बेस पे लीजिए जैसे कि आप देखते हैं कि मैं कवर करता हूँ कि हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं हमने प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स चार्ट पैटर्न्स हार्मोनिक्स चीजों में कैटेगराइज किया और इनके बारे में हमने टॉपिक्स कवर किए हैं जैसे प्राइस एक्शन में हमने काफी चीजें कवर की हुई है ट्रेंड लाइंस को कवर किया हुआ है कैंडलस्टिक के कवर किए हुए हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस तो आने वाले दिनों में इनमें भी और चीजें हम कवर करेंगे इंडिकेटर्स पे भी काफी वीडियो बनाए हुए हैं और वेबिनार किए हुए हैं चार्ट पैटर्न्स पे भी हमने हेड एंड शोल्डर को कवर किया हुआ है डबल टॉप डबल बॉटम को कवर किया हुआ है हार्मोनिक पे भी आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हम वहां पर कवर करेंगे आज जो मेन है हमारा चार्ट पैटर्न्स है हम इसमें कवर करेंगे और एक टॉपिक में ले रहा हूँ आपके साथ फ्लैग पैटर्न जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही कॉमन है तो फ्लैग पैटर्न ऐसा कुछ नहीं कि आपके लिए सरप्राइज होगा कि नाम क्या है फ्लैग पैटर्न बहुत ही पॉपुलर है बहुत सिंपल है और बहुत ही पर इसमें भी कुछ कंफ्यूजन रहती है कि लोग इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे तो जस्ट आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर बता चाहूँ अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन जो होंगे हम एंड ऑफ द वेबिनार लेंगे तो वहां पर मैं आपके लिए 10-15 मिनट रखूंगा जो भी क्वेश्चन हो डाउट्स हो आप मेरे से पूछेगा चैट में लिख सकते हैं Q&A में लिख सकते हैं सभी के रिप्लाई करने की वहां पर मैं कोशिश करूंगा अभी हम चलते हैं फ्लैग पैटर्न के बारे में तो यहाँ पर पहले इसको समझते हैं कि फ्लैग पैटर्न होता क्या है तो आई होप ये सभी चीजें क्लियर होंगी मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ चैट बार को भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो व्हाट इज फ्लैग पैटर्न एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट इसके बारे में हम दोबारा बात करते हैं मैं यहाँ पर एक पेन को ले लेता हूँ ताकि आपको तो फ्लैग पैटर्न दो चीजें कॉमन है क्योंकि ये फ्लैग की तरह दिखता है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्लैग है इसलिए इसका नाम पॉपुलर है कि फ्लैग पैटर्न इसको बोलते हैं और मेन चीज क्या है यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड या तो ऊपर की तरफ हो या नीचे डाउन की तरफ और उसके बाद जो रिट्रेचमेंट हो उसमें जो कैंडल बने वो बहुत ही एक तरीके से कहें कि कंजेशन हो इस तरीके से कहें ये ना हो कि एकदम से बिल्कुल नीचे की तरफ जाए जो रिट्रेचमेंट हो थोड़ा बहुत ही कंजेशन वे में हो तो इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये दिखता है बिल्कुल फ्लैग की तरह अगर आप इसको देखें तो एक फ्लैग की तरह दिखता है या तो बॉटम में हो या डाउन में इसलिए इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं अब बात आती है फ्लैग के लिए कौन सा पैटर्न वैलिड होता है कौन सा वैलिड नहीं होता है
तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, कौन से पैटर्न को आप वैलिड समझेंगे, कौन से को नहीं समझेंगे। तो दो पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले आते हैं। पहला जो है फ्लैग मिड पॉइंट, अगर आपका फ्लैग बन रहा है, अगर आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ है और आप इस तरीके से उसको फ्लैग को देख रहे हैं, मैं इस पैटर्न को ट्रेड करने की सोच रहा हूँ, तो जो इसका मिड पॉइंट है मैं कहूँ कि 50% जो भी है यहाँ पर, अगर वो इससे नीचे चला जाता है तो फिर मेरे लिए वो फ्लैग पैटर्न इनवैलिड हो जाता है, फिर मैं उस फ्लैग पैटर्न को ट्रेड नहीं करूंगा फ्लैग की वजह से, मतलब कि उस चार्ट एनालिसिस से, उस टेक्निक की वजह से। और कोई स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर फ्लैग पैटर्न आपका इनवैलिड हो जाता है जहां पर वो मिड पॉइंट को, उसको टच कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, पर अगर उसको बिल्कुल ही ब्रेक कर दे, नीचे आ जाए, बहुत ज्यादा नीचे आ जाए, फिर हम उसको इनवैलिड कर देंगे 60% या 70%। तो मिड पॉइंट अगर हम कहें कि 50% है और मिड पॉइंट से वो नीचे चला गया, फिर हम उसको इनवैलिड कर देंगे, उससे ऊपर ऊपर रहता है फिर हम उसको कंटिन्यू मानेंगे कि हाँ ये हमारा फ्लैग पॉइंट है। सेम ये ऊपर की तरफ है, सेम उसी तरीके से नीचे की तरफ, कि वो नीचे अगर वो 50% के एरिया को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाए, फिर हमारे लिए फ्लैग पैटर्न नहीं रह जाता, भले ही उसके बाद मार्केट कंटिन्यू जाए कहीं पर भी जाए, पर फ्लैग पॉइंट के हिसाब से हम उसको नहीं देखें। दूसरा आ जाता है आपका, द पुल बैक शुड कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर रेंज, जो भी आपका पुल बैक हो उसमें रेंज जो बने, जो भी ये रेंज बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया ये हमारा फ्लैग ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो रिट्रेचमेंट हो वो एक स्मॉलर रेंज में बने, ये ना हो कि बहुत ही बड़ी रेंज इस तरीके से बने, और या फिर पुल बैक बहुत ही बड़े तरीके, फुल फ्लैग की तरह दिखेगा, पर हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है कि जो रेंज बने वो बहुत ही कंजेस्टेड, कंजेशन होना चाहिए, कंजेशन का मतलब बहुत ही छोटी रेंज में वो नीचे की तरफ रिट्रेचमेंट करे, अगर वो ऊपर से आ रहा है तो बहुत ही छोटी तरीके से नीचे ऊपर की तरफ रिट्रेचमेंट, तो रिट्रेचमेंट में कंजेशन हमें होनी चाहिए, तो ये दो पॉइंट जरूर होने चाहिए हमारे लिए, तभी हमारे लिए फ्लैग पैटर्न वैलिड रहता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैग पैटर्न, तो यहाँ पर दो ही सिंपल फ्लैग पैटर्न, या तो आपका बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा। तो बुलिश जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस कंटिन्यूस ऊपर की तरफ गया है और उसके बाद आपका कंजेशन नीचे की तरफ आया, तो ये आपका बुलिश पैटर्न है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाती है। दूसरा, प्राइस नीचे की तरफ आया और कंजेशन इस तरीके से आपको दिखा, ये आपका फ्लैग पैटर्न बन रहा है और फिर दोबारा से मार्केट कंटिन्यू, तो ये आपका बुलिश हो गया, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पर ऊपर किया, कंजेशन ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, सेम नीचे की तरफ, यहाँ पर मार्केट नीचे गई डाउन और डाउन की तरफ, तो बेयरिश और बुलिश, सिंपल दो वे में हम यहाँ पर इसको कैटेगराइज करेंगे। इसके बाद फ्यू क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, काफी क्वेश्चन आए इंस्टाग्राम पर भी, ईमेल में भी, जब भी कोई चार्ट पैटर्न से कि इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए और भी वीडियो लेके आइए, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा एंड ऑफ द सेशन, और कौन से वीडियो और किस तरीके की चीजों पे आप चाहेंगे कि मैं वीडियो या वेबिनार करूँ, वो आपसे मैं एंड ऑफ द सेशन पूछूंगा, अगर मेरे को नहीं याद रहता है तो आप प्लीज बताइएगा वहां पर एंड ऑफ द सेशन पर। यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं जो फ्लैग से रिलेटेड थे, वो काफी आए थे, तो इज इट सेम लाइक नॉर्मल पुल बैक, दोनों में डिफरेंस क्या है नॉर्मल पुल बैक में और फ्लैग पैटर्न में? तो पहली चीज जैसे मैंने अभी बताई, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं पुल बैक फ्लैग पैटर्न में, उसमें कंजेशन होना चाहिए, मतलब कि छोटी छोटी रेंज बननी चाहिए, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, ये नहीं कि पुल बैक गया, पुल बैक तो ये भी है और इसको मैं अगर वो फ्लैग की तरह, पर रेंज बहुत बड़ी है और पुल बैक भी डीप आ रहा है, तो इसको नहीं मानेंगे, तो नॉर्मल पुल बैक और फ्लैग में थोड़ा डिफरेंस समझिए। दूसरा, क्या ये रिलायबल है चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए? ये कॉमन क्वेश्चन था जो मेरे पास कई बार आया है कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या हम फ्लैग पैटर्न को यूज कर सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए फ्लैग पैटर्न को यूज कीजिए, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है, जो कि आपको कंटिन्यूशन जो चार्ट उस टाइम पर, उस टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं, उस टाइम का जो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है उसमें आप ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं भी ये भी कहूंगा कि आप 1 आवर और इससे बिलो, 15 मिनट, 5 मिनट में इसको देखेंगे तो और बेटर रिजल्ट मिलेंगे, 4 आवर डेली में आप कहाँ तक इसको बैठते हैं, तो 4 आवर मैक्सिमम लिमिट में कहूंगा अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, और डेली वगैरह में नहीं जाइए क्योंकि वहां पर फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे। तो सिंपल आप देखते हैं कि ट्रेंड है, कंजेशन हुई, आप एक ही मूव इसको ही कैप्चर करने की सोचेंगे और आप आउट हो जाते हैं, फिर जहाँ पे भी, जो हम बाद में बात करेंगे एंट्री प्रॉफिट कैसे लेना है सारा कुछ उसके बारे में। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इसको, तो आप जब भी ट्रेड करें फ्लैग पैटर्न चार्ट कंटिन्यूएशन छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको ट्रेड करें। तीसरा, क्या ये सेम है लाइक पिनेंट पैटर्न? तो पिनेंट पैटर्न उसमें क्या डिफरेंस करते हैं मुझे बताइए, अगर किसी को पिनेंट पैटर्न के बारे में पता है कि उसमें और क्या डिफरेंस में हम देख सकते हैं फ्लैग पैटर्न में और पिनेंट पैटर्न, तो इसके ऊपर मेरे पास भी काफी क्वेश्चन आते हैं, क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से इसको ट्रेड करते हैं? एनी आइडिया? बिल्कुल ठीक है विवेक भट्टी, जो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, यही यहां पर तो ये दिखता है फ्लैग की तरह, ठीक है फ्लैग बन रहा है। पिन एंड पैटर्न में क्या होता है, उसको ट्रेंड लाइन से आप देखते हैं, जैसे कि ट्रायंगल
के लिए बोला विवेक भाटी ने, तो यहाँ पर जो बनता है वो ट्रायंगल की तरह उसको ट्रेंड लाइन से उसको करते हैं, तो उसमें जो कंजेशन जो रेंज हो जाती है वो बहुत छोटी हो जाती है उस तरीके से, तो इसको ट्रेंड लाइन की तरह उसको उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्लैग में डिफरेंस होता है पिनट, तो दोनों अलग है, दोनों का ट्रेड करना एंट्री और आउट होने का दोनों का डिफरेंट तरीका होता है। तो यहाँ पर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, फ्लैग के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों को डिफर रखें, यानी कि एक ही चीज को दोबारा में लगा, सिमेट्रिकल, बिल्कुल ठीक है नरेश कुमार जी। तो ये चीजें हैं जो कॉमन क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर हम क्या क्या कवर करेंगे, जो हम फ्लैग पैटर्न के बारे में बात करें कि कौन से फ्लैग को हमें ट्रेड करना चाहिए, कि सभी फ्लैग को हम ट्रेड करना चाहिए, कौन से बनते हैं, कौन से वैलिड हैं, कौन से नए वैलिड हैं, हमारे लिए कौन से हैं जहाँ पर हमको अच्छे रिजल्ट मिल सके। दूसरा, इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे एंट्री पॉइंट होने चाहिए, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और क्या हम प्रॉफिट के लिए इसको देख सकते हैं। तो सभी चीजें की कौन सी हमारे लिए वैलिड है, कौन से नहीं है, एंट्री वगैरह सारा कुछ हम आपको कवर करेंगे इसके लिए। तो पहला चीज, सो विच फ्लैग पैटर्न टू ट्रेड द बेस्ट हैपन आफ्टर, मैं कहूंगा ब्रेकआउट, जब भी ब्रेकआउट हो उसके बाद जो फ्लैग पैटर्न बनेगा उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो मान लीजिए आपकी कोई रेंज बनी हुई है, आपने यहाँ पर सपोर्ट या रेसिस्टेंस जो भी लगाई हुई है, अब या तो इसमें ब्रेकआउट जो हो ऊपर की तरफ हो, सपोर्ट को या रेसिस्टेंस को ब्रेक करे, या नीचे की तरफ हो, जब इसको ब्रेक हो और उसके बाद जो फ्लैग बने आप अगर उसको ट्रेड करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट वहां पर मिलेंगे। इसके बाद जो भी फ्लैग हुआ उसके बाद आप इसको ट्रेड करेंगे एंट्री के लिए, वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो, फ्लैग बने, फिर आप उसको नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। तो ब्रेकआउट के बाद जो भी आपके फ्लैग बने उसमें आपको बेटर रिजल्ट इससे मिलेंगे। तो जैसा आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, ये सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, इसने इसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जो भी फ्लैग बनेगा उसमें आपको रिजल्ट अच्छा। तो ब्रेकआउट वाला जो पैटर्न फ्लैग होगा वो आपको देख सकते हैं। बेस्ट वे इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें एंट्री देखनी है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पहली चीज आप क्या देखेंगे, आप देखिए कोई रेंज बन रही है या सपोर्ट या रेसिस्टेंस, तो हमने फाइंड आउट कर दिया कि आपकी रेंज में मार्केट कहां पर मार्केट है, जो रेंज में है ओके। दूसरा, वेट कीजिए ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तीसरा, वेट फॉर फ्लैग पैटर्न, जब आपका फ्लैग पैटर्न बने आप उसमें थोड़ा मेरे यहाँ पर एक्सक्यूज कीजिए, जो भी फ्लैग बने उसका वेट कीजिए और फिर उसके बाद एंट्री। सेम ही तरीके से डाउन में अगर आप बीयरस में आप देख रहे हैं तो फिर उसमें एंट्री। अब एंट्री कैसे लेनी है ये हम बात करेंगे, तो हाउ टू सेट एंट्री। तो एंट्री लेने के यहाँ पर कोई कॉमन ये नहीं कहूंगा कि ये बेस्ट तरीका है या बेस्ट तरीका, यहाँ पर दो तरीके मैं कहूंगा एंट्री लेने के लिए। मान लीजिए आपका फ्लैग पैटर्न प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस ट्रेस करके नीचे आ रहा है, थोड़ा मैं यहाँ बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से देख सके, ये आपका यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बन गया। अब एंट्री के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला, तो जब भी आप मार्क करें कि आपका स्विंग लो कौन सा था, जो सबसे नीचे इसमें स्विंग लो, स्विंग लो का मतलब यहाँ से मार्केट गया, ये आपका लो बना, ये हायर बना, ये लो बना। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? जस्ट मुझे लगा कि मैं शायद आउट हो गया हूँ, अगर इंटरनेट का कोई इश्यू नहीं है सबको क्लियर है, लाउड है, ओके ग्रेट थैंक यू। तो स्विंग लो और स्विंग लो और स्विंग हाई, तो यहाँ पर आपका हाई है, यहाँ पर लो है, हाई लो, तो जो आपका लास्ट लो है ठीक है ना, और उसके बाद जो भी अगर ब्रेकआउट हुआ है, जो आपका ये जो चैनल था जो भी कहें आप इसको, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया पहला पॉइंट कि जैसे ही ब्रेकआउट हो आप उसके बाद एंट्री लें। दूसरा तरीका क्या है, ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद वो रिटेस्ट करे फिर आप एंट्री लें। ओके, मैं क्वेश्चन बाद में लूंगा, जो भी होंगे आप क्वेश्चन बाद में पूछिएगा ठीक है। दोनों के एडवांटेज भी हैं डिसएडवांटेज, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेस्ट है या बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं कि बेस्ट यहाँ पर जैसे ही वो ब्रेकआउट हो उस पर एंट्री लेंगे या फिर वो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करे तब लें तो वो बेस्ट रहेगा। पहले केस में क्या है, मान लीजिए मैंने पहले केस में एंट्री ली, यहाँ पर मैं इस चैट को यहां से हटा देता हूं, सॉरी, यहां से मैंने एंट्री ली, ये मेरा फ्लैग पैटर्न बना और मान लीजिए मैंने एंट्री ली पहले जहां पर ये ब्रेकआउट हुआ। अब इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें एडवांटेज आपका ये है कि आपको अगर ब्रेकआउट होता है आपको अच्छी एंट्री यहां पर मिल जाती है। और डिसएडवांटेज क्या है, मान लीजिए फॉल्स ब्रेकआउट हुआ दोबारा से कंटिन्यूस में चला गया तो फिर आप इसमें आउट होता है। तो एडवांटेज यह है कि जैसे ही आपको वो गया आपने उसको कैप्चर किया, पर दूसरा अगर वो फॉल्स एंट्री हुई दोबारा से वो फॉल्स ब्रेकआउट था तो वहां पर इसमें आउट हो जाए, तो वहां पर इस वजह से इसमें प्लस भी है माइनस भी है। दूसरा, अगर मैं एंट्री यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, रेटेस्ट पे लेता हूँ, प्राइस यहां से ऊपर गया
और दोबारा से जब रिटेस्ट करें मैं एंट्री लेता हूँ और उसके बाद देखूंगा। ठीक है, इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी बेटर हो जाएगा और आपकी कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि हाँ ये ब्रेकआउट हो चुका है, पर आप उस केस में मिस कर सकते हैं। यहाँ से वो ब्रेकआउट हुआ, आपको चांस ही ना दे, वो रिटेस्ट कर दोबारा से उसके ऊपर चला जाए, तो फिर उस केस में मेरा स्क्रीन शो नहीं हो रहा। क्या सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? क्या स्क्रीन देख पा रहे हैं सब? अगर कंफर्म करें, हो रहा है सभी को दिख रहा है? ओके, तो प्लीज अपनी तरफ से देखिए, चेक कीजिए। मेरी तरफ से सभी को स्क्रीन विजिबल है, तो प्लीज अपनी तरफ से चेक कीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला, यहाँ पर आप रिटेस्ट के लिए हैं, ओके कंफर्म होगा, ठीक है, पर उस केस में क्या होगा अगर वो दोबारा ऊपर गया और रिटेस्ट का मौका ही ना दे कंटिन्यूस, तो आप पूरा का पूरा मिस कर जाए। तो प्लस माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप वो जो मूव था वो कैप्चर कर, अगर आपने यहीं पे एंटर की होती तो आपको कैप्चर कर लेते। तो दोनों के प्लस माइनस है, पर दोनों में से ऐसा कुछ नहीं कि ये बेस्ट है या ये बेकार, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, पहला यू कैन एंटर ऑन द ब्रेक ऑफ द हाई, जैसे ही वो हाई, हाई का मतलब इस चैनल को ब्रेक करे, तो आप उसमें एंटर करेंगे। दूसरा, वेट फॉर द मार्केट टू क्लोज अबव द हाई और उसके बाद उसको रिटेस्ट करें। तो बेस्ट कुछ नहीं है, पर कंसिस्टेंसी रही है जो भी आप अप्लाई करें। अगर आप डेमो में भी इसको ट्राई करना चाहें, तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इसी मेथड को ट्राई कीजिए, सारे ट्रेड इसी के बेस पे लेके देखिए या फिर सारे ट्रेड एक ही बेस पे लेके देखिए और उस पर कंसिस्टेंट रहिए, दोनों को मिक्स मत रहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहेंगे इसमें लूँ या इसमें। तो एक मेथड को चूज कीजिए जो बेटर लगता है आपको, उसको उसके साथ रहिए। अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप पहले मेथड के साथ जैसे ही वो एंट्री करे यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अगर आप थोड़े पेशेंस वाले ट्रेडर हैं तो वो रिटेस्ट करने का मौका दे आप उसके साथ। तो प्लस माइनस दोनों में है जैसे मैं बता चुका हूं। अब बात आती है इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। स्टॉप लॉस के बारे में आपको पता ही होगा, क्योंकि जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं, पहला मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मैंने जो भी सेटअप लगाया उसके बाद वो मेरे प्रॉफिट टारगेट को हिट हो जाता है, तो मैं स्टॉप लॉस पे कैसे किस तरीके से बच सकता हूँ कि वो मेरे हंटिंग ना हो, या एक तरीके से कहें कि आप ब्रोकर को भी ब्लेम करने लग जाते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि आप स्टॉप लॉस हंटिंग से किस तरीके से बच सकते हैं। तो यहाँ मैं दो तरीके आपको बताना चाहूंगा। पहला, पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए आपका स्विंग लो कहाँ था। अगर हम बुलिश फ्लैग पैटर्न की बात करते हैं, बुलिश में यही कि हम ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू देख रहे हैं, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और ये हमारा फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि स्विंग लो कहाँ पर है आपका, ये है, यहाँ से उसके बाद आपका मार्केट कंटिन्यू जाए, आप उसमें एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने एंट्री ले ली। अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर देखूंगा, तो पहला जो मेरा स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया होगा कि जो स्विंग लो था वो कहाँ पर बना था, पहला यहाँ पर बना था। अब क्या स्टॉप लॉस मुझे यहीं पर लगाना चाहिए? अगर कोई मुझे फॉलो करता होगा तो क्या चीज हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मुझे बताइए। दानिश हुसैन, ओके, नहीं बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ओके, एटीआर आकाश जी, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा नीचे विशाल मेहता, और कोई लास्ट लो से थोड़ा नीचे, लिटिल लोअर, ओके ओके, जो भी है यहाँ पर ATR, जिसने बोला ATR के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ATR को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिकेटर यूज करना चाहें तो इंडिकेटर यूज कीजिए या फिर उससे थोड़ा नीचे लगाइए, जो भी आप यहाँ पर गैप देना चाहते हैं। एकदम यहाँ पर लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, फिर आपकी स्टॉप हंटिंग कई बार होगी, आप कहेंगे मेरे स्टॉप लॉस का हिट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं आप, ATR, ATR का मतलब एवरेज टू रेंज, जो मार्केट की फ्लक्चुएशन को अप एंड डाउन को कैप्चर करता है और ये बताता है कि उस टाइम फ्रेम पर उस चार्ट में क्या रेंज चली हुई है प्राइस की। तो उसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा होगा देखिएगा, या फिर एक वेबिनार भी करेंगे उसके ऊपर हम डिटेल में। मान लीजिए प्राइस यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है, ATR इंडिकेटर आपका यहाँ पर दिखाता है जो भी वहां पर प्राइस है उस टाइम फ्रेम का, कि उसकी जो भी आपने सेटिंग ली हुई है, अगर 14 ली हुई है जो बाय डिफॉल्ट आप लीजिए, तो उन 14 कैंडल का प्राइस किस तरीके से चल रहा है और उसको कैप्चर करता है। तो ATR को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और ATR के लिए स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, जहां पर ये हमारा बिलो लो है, स्विंग लो है, उससे 1 ATR एक नीचे लगाएंगे, फॉरेक्स पेयर के लिए क्रिप्टो वगैरह में या फिर गोल्ड वगैरह में मैं कहूंगा कि आप वहां पर 1.5 का यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली फॉरेक्स में आप 1 का यूज कर सकते हैं, गोल्ड वगैरह जहां पर मूवमेंट ज्यादा रहती है 1.5 तक, जो आपका स्विंग लो है उससे नीचे 1 ATR, जो भी 1 ATR उस जगह पर वैल्यू चल रही है, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे लगाएंगे, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, बात आती है अब यहां पर। हमने यहां पर एंट्री ली, ब्रेकआउट पे एंट्री ली, ये हमारी एंट्री थी, स्टॉप लॉस जो ATR के बेस पे हमने यहां पर लगाया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री हमारी ये हो गई। टारगेट कितना रखेंगे, जो हमारा ये लैग है उसके बराबर ही आप यहाँ पर टारगेट रखेंगे,
जितना ये लैग था उतना ही आप टारगेट रखिए, उसके बाद वहां से उसमें आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिस्क तो रिवॉर्ड मिलेगा, कि रिस्क आपका इतना रहेगा और रिवॉर्ड आपका पूरा जो ये पूरा लैग था उतना ही लैग मेजर करके आप उसमें प्रॉफिट के लिए देखेंगे। जैसे मैंने बोला छोटे टाइम फ्रेम में रहिए, ज्यादा में रहेंगे हम 1 आवर में इसको चेक करेंगे जो भी आपको दिखेगा। और सेम ही होगा आपका बियर फ्लैग पैटर्न में, अगर आप डाउन के लिए देख रहे हैं तो आपको उसी तरीके से देखना होगा। तो हमारा डाउन फ्लैग पैटर्न यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है, एंट्री ली जहां पर भी उसको ब्रेकआउट दिया, स्टॉप लॉस जो आपका स्विंग ब्लो था उससे 180 आर नीचे ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट प्रॉफिट कितना रखेंगे, जितना हमारा ये फर्स्ट लेग था उतना ही उसको मेजर करके हम टारगेट प्रॉफिट यहां पर रखेंगे। ओके, चार्ट में देखते हैं, मेरे को बताइएगा जब आप चार्ट देख पाए। जब चार्ट विजिबल हो मुझे बताइए। ओके, यस यस, ओके गुड, थैंक यू। तो देखिए यूरो यूएसडी अभी हम यहीं पर प्राइस चला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अगर हम इसको देखें, इसको ऑब्जर्व करें, मुझे आपसे ही पूछूंगा, मैं आपसे जो अभी तक अगर आपने कुछ सीख रहा होगा, आपने कुछ अभी तक मेरे से सीखा होगा, यहां से प्राइस स्टार्ट हुआ, यहां तक प्राइस गया, क्या हमारा ये फ्लैग पैटर्न बनेगा? इसको हम फ्लैग पैटर्न कहेंगे? यस नो में जवाब दीजिए। नो 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 नो, क्यों नहीं बनेगा? फिफ्टी क्रॉस, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आप सुन रहे थे मुझे, कोई सो नहीं रहा था, ये अच्छी ऑडियंस है, बहुत अच्छी ऑडियंस है, ठीक है। यहाँ पर आपका 50% भी अगर आप देखें उसके आसपास होगा, उससे नीचे बहुत नीचे चला गया, हमारे लिए क्वालिफाई नहीं करता, आपसे ज्यादा हो गया, सीधा सिंपल बात, ठीक है ना। एक ब्लाइंड आई से आपको पता चल जाए, इतना आपको कोई ज्यादा ट्रेनिंग के लिए इसमें जरूरत नहीं है, सीधा उसके बाद आप नहीं ले, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए, चलिए देखते हैं, यहाँ से प्राइस नीचे गया और ये आपका थोड़ा छोटा सा फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अगर हम इसको देखना चाहें तो आप देखें, हम 1 आवर में हैं यहाँ पर, ये आपका फ्लैग पैटर्न है। और ATR में लगाना चाहूँ तो हम ATR की बात कर रहे थे, ATR जो इंडिकेटर है, एवरेज ट्रू रेंज, आप ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हैं उसको, इस तरीके से दिखता है। जो बॉय डिफॉल्ट सेटिंग है 14 या 21 आप ले सकते हैं, और जो भी प्राइस चल रहा हो। तो क्या यहाँ पर मैं बताना चाहूँ जिनको नहीं पता है, जो भी प्राइस चल रहा होता है उसको ये कैलकुलेट करता है, मेजर करता है, उसको एवरेज बताता है कि कितना उस टाइम में, उस प्राइस में, उस टाइम फ्रेम पर कितनी रेंज है उस मार्केट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं जो आपको वैल्यू यहाँ पर दिखेगी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस पर दिखा रहा हूँ, आपको दिख रही है 0.0019, इस जगह पर आप ब्लैक दिखेंगे। तो इस तरीके से मूव होती चली जाती है, आप देख सकते हैं 25, 21, 90, तो ये प्राइस की रेंज, ठीक है, हमें इसको देखना है, कंसिडर करना है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें इसमें एंट्री लेनी है, तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। ये हमारा फ्लैग पैटर्न बन, 50 से क्रॉस नहीं गया, बहुत दूर है 50 से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या ये ब्रेकआउट के बाद हुआ है तो और भी बेटर है, क्या हम देख सकते हैं? मेरे को लग रहा है बहुत ही अच्छी रेंज है, तो इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी रेंज थी मार्केट में, प्राइस अगर आप देखें 24 मई से 9 जून तक इसी रेंज में रहा, ठीक है, इसी रेंज में रहा, इसको इसने ब्रेक किया और उसके बाद अगर फ्लैग पैटर्न मिले तो इसके लिए सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट यहाँ पर इसी में मिले, और जरूरी नहीं कि आपको हर बार ये मिले, अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, इसको अगर आप ट्रेड करेंगे आपको रिजल्ट अच्छे। तो यहाँ पर अगर हम इसको ट्रेड करने की सोच रहे हैं, ये आपका पहला लेग है, फ्लैग यहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर हम इसमें एंट्री ले सकते हैं? थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ, मेरे को ये नीचे की स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। ओके, यहाँ पर मैं एंट्री के लिए देता हूँ, स्टॉप लॉस जो ब्रेकआउट पे, पहली स्क्रीन पे नहीं हुआ दूसरे पे हुआ, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए इसमें ब्रेकआउट पे लगाता हूँ, जहां पर भी आप कहें, यहाँ पर आप एंट्री लेना चाहें या आप यहाँ पर लेना चाहें, अगर आप देखिए पहले केस में अगर आप अग्रेसिव है आप इसमें ले लेंगे, दूसरा आपको अगर रिटेस्ट की सोचेंगे रिटेस्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप दूसरे केस में मिस कर जाएंगे, पहले केस में मिल जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहले केस में बेटर है दूसरे केस में, दोनों बिल्कुल ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ दोनों अपनी जगह पे ठीक है, दोनों के प्लस माइनस है। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे? जो भी एवरेज टू रेंज उस जगह पर चल रही होगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल पर हम नीचे देखेंगे कि आप ब्लैक में यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ आपकी आ रही है 16 pips, तो 16 pips जो आपका लास्ट पॉइंट है, जो स्विंग लो है, ये आपका स्विंग लो है, इससे 16 pips ऊपर लगाने हैं। तो मान लीजिए मेरे यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस बन रहा था 29, 30 मान लीजिए, तो हमें इसको लेके चलना है 46 तक, तो आप कहाँ पर लगाएंगे इसमें?
46-47 ऑन एन एवरेज आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। और कितना टारगेट में लेके चलूंगा, जो हमारा स्विंग लो था, पहला लेग था, कितना लेग था हमारा, इतना ही हमारा यहाँ पर टारगेट होगा जो हम यहाँ पर इसको देख के चलें। तो फ्लैग पैटर्न में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपको ब्रेकआउट के बाद मिले, आप इसको टेस्ट करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। यहाँ पर देखिए, इसमें आपको 2.83 का आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा अगर ब्रेकआउट के बाद हुआ है, बहुत अच्छा है। अगर और कोई चार्ट हम देखें इसके बाद, ये वाला देखिए, क्या इसको देख कंसिडर कर सकते हैं 50% के बाद हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 50 तक हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 चल जाएगा। अगर मैं इसको देखूं, सुन लो, जस्ट 50 को टच कर रहा है तो कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप पास करना चाहें पास करते हैं, पर ये नहीं कि इस केस में नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो, कई बार वो आपको स्टॉप आउट करके चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कंसिडर करना चाहूँ, मैं बाय के लिए देखना चाहूँ, फ्लैग बन रहा है, ये आपका ट्रेंड आपका कंटिन्यूशन है। क्या ये ब्रेकआउट के बाद हुआ है? अगर हम देखें, नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट तो नहीं दिख रहा है, पर जस्ट अगर मैं देखूं सपोर्ट रेसिस्टेंस देखूं इसको, ये आप देखिए मल्टीपल टचेस कितने यहाँ पर थे, इसको ब्रेक किया था इसने, यहाँ पर इसको ब्रेक किया थोड़ा सा, और उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पर मिल रही है। तो अब ये रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, थोड़ा नीचे भी आ गया, कंसिडर कर सकते हैं। ब्रेकआउट किया है नहीं किया तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, पर फिर भी अगर आप इसको कंसिडर करेंगे, आप इसको बाय के लिए देखेंगे। अगेन बाय के लिए मैं यहाँ पर देखता हूँ, एंट्री कहाँ पर लूंगा, ब्रेकआउट पे ले रहा हूँ। मान लीजिए हम ब्रेकआउट पे एंट्री लेकर चल रहे हैं, सब केस ब्रेकआउट हुआ, स्विंग लो कहाँ पर है, लास्ट स्विंग लो ये है, इससे कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, 180R मतलब जितना 180R की पिप वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर इसमें एंट्री कर रहा हूँ तो ATR की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर भी 16 ही आ रही है, तो 16 का जो यहाँ पर वैल्यू है उससे नीचे लगाना है। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 43 pips, ये दिख रहे हैं ना 43 pips, आई होप सबको विजिबल होंगे, कभी कन्फ्यूजन होगी मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस वगैरह। ओके, तो 43 पिप्स, इसमें 16 पिप्स, जो भी 16 हो उस टाइम पर, 5 आए, 10 आए, जो भी 180 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मेरे 43 है, अगर यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ, 43 प्लस 10 53 प्लस 59, तो 59 का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा इसके आसपास, क्योंकि उसके बाद आपके स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। जितना मेरा ये स्विंग था उतना ही मैं टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर रखूंगा, और अगर ब्रेकआउट रेसिस्टेंस के बाद होता है तो आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। अगर मैं गोल्ड में देखूं, इसमें क्या मैं गोल्ड में भी इसको, गोल्ड में थोड़ी मूवमेंट ज्यादा रहती है, वहां पर थोड़ा आपको इसको ऑब्जर्व करना होगा किस तरीके से हमारा करंट प्राइस अब चल रहा है। हमें अभी रेंज में चल रहा है, कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है गोल्ड में। अगर आप देखें काफी दिनों से यहाँ पर, अगर देखें ये हमारा ओके, ये आप देख सकते हैं ओके, क्या हमें यहाँ पर ये कंटिन्यूस ट्रेंड अप अप डाउन, कुछ हमें ब्रेकआउट तो नहीं मिल रहा है, पर फिर भी देखें हम इसको देख सकते हैं, इस लाइन यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुई ओके। उसके बाद अगर आप देखना चाहें इसमें, आपको देखिए थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मिलेगा यहाँ पर, ये केस है या ये केस है, ठीक है, और क्या है ओके। अगर मैं फ्लैग पैटर्न को यहाँ पर देखना चाहूँ, थोड़ा डीप बन ना, यहाँ से मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ इस तरीके से, ये मेरे यहाँ से यहाँ लेग गया, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या है, मैं 1 आवर में देख रहा हूँ उसको, ठीक है। आप 15 मिनट में भी जा सकते हैं, 5 मिनट में भी देख सकते हैं, 4 आवर में भी कहूंगा आप देखें, बट ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इसको ज्यादा मत कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। मैं 1 आवर में गोल्ड में देख रहा हूँ उसको, मार्केट डाउन कंटिन्यूसली, फ्लैग ज्यादा मूवमेंट नहीं है, रिट्रेसमेंट भी स्लो है, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, और फ्लैग हमारी चल रही है। एंट्री कहाँ पर लेंगे, जहां पर ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आपका ये जो लाइन है, अगर आप देखें, अगर हम इसको पूरी अच्छी तरीके से दें, कंफ्यूजन ना हो, तो उसके बाद यहाँ से ये गया थोड़ा फॉल्स, और उसके बाद फिर आपका ब्रेकआउट, आप इसमें एंट्री यहाँ पर लेंगे। मान लीजिए मैंने इसमें एंट्री यहाँ पर ली है, मेरा लास्ट पॉइंट कहाँ है स्विंग का, ये, और मेरा पिप्स की वैल्यू यहाँ पर क्या बन रही है, अगर हम यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर, मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूं ताकि मुझे भी दिख सके, 3.86, ठीक है, 3.86
3.86 और यहाँ पर हमारा है 7.16, तो 3.7 अगर हम इसको ऐड करें तो 11 के आसपास, तो मैं कहूंगा आप इसको 11 के आसपास रखेंगे तो आपको इसको बेटर रहे। तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ जो कि उसी रेंज में फ्लैग की रेंज में आएगा, पर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर आएगा। आपने कहा मैं एंट्री यहाँ पर ले रहा हूँ, यहीं पर स्टॉप लॉस लगा दूं तो आपको यहाँ पर इसको आउट कर सकता है। एसएमए 29 20, यहाँ पर मैं आपको एसएमए कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, आप लगाना चाहे इसको लगा सकते हैं, ठीक है, उसके साथ करना चाहे तो उसके साथ कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं एसएमए की बात, इन पर सीधा सिंपल प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर केवल एवरेज टू रेंज जो कि स्टॉप लॉस के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और किसी चीज के लिए हम यहाँ पर इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं। टारगेट प्रॉफिट यहां से यहां तक का मूव था और इतना ही टारगेट प्रॉफिट आप देखेंगे जो आपको मिलेगा। यहाँ पर भी अगर 3:1 तक का आपको यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट अच्छे से यहाँ पर मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखें, यहाँ पर ये ब्रेकआउट के बाद नहीं हुआ तो इसमें रिजल्ट थोड़े कम मिले, कभी यहाँ पर सक्सेस हो रहा है फेल भी होगा, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, ठीक है, पर जो ब्रेकआउट के बाद होगा उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं है, सीधा ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ठीक है, तो इसलिए नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको इसमें भी अच्छे स्टॉप लॉस मतलब हिट नहीं हो रहा। मैं चाहता था कोई आपको स्टॉप लॉस का भी दिखे तो बेटर रहता, पर यहाँ पर हम देखें अगला एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ से प्राइस अगेन नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें अगर फ्लैग को कंसिडर करें इस तरीके से अगर हम इसको लगाएं तो ये हमारी प्राइस की रेंज है, जहां पर ब्रेकआउट दे वहां पर आप इसमें एंट्री लेंगे, ये फॉल्स ब्रेकआउट एकदम से ऊपर नहीं लेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ रिटेस्ट किया, यहाँ पर तो आप कहेंगे आप रिटेस्ट भी करके दे रहा है तो आप दोबारा से इसमें ले सकते हैं, तो आप मगर मान लीजिए मैं इस कैंडल यहाँ पर इसमें एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाऊंगा, अगेन मेरा स्विंग लो कहाँ पर है, स्विंग हाई कहाँ पर है, ये स्विंग हाई ये वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा क्या हमारा स्टॉप लॉस बन सकता है, तो अभी हमारा 12.84 और हमारी जो ये वैल्यू है यहाँ पर हमारी एटीआर क्या बन रही है 4.82, तो 12 + 4 16 16.84 and 0.92 तो 17 18 के आसपास आपको मिल जाएगा, तो मैं कहूंगा कि आप इसको 18 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, देखिए तो एटलीस्ट आपका फेलियर बड़ा यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर मैंने टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर लगाया था, अगर मैं लैग इतना जितना मेरा टारगेट प्रॉफिट था इसी को यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर तो अचीव नहीं होगा, पर यहाँ पर आप देखें मुझे टारगेट प्रॉफिट कितना मिला, अगर मैं इसमें पहले आउट होने की सोचता तो जस्ट 1.2, तो ये आपके लिए फेलियर ट्रेडर होगा क्योंकि यहाँ पर आपके लिए दोबारा से ये आ गया और ये आपके स्टॉप लॉस हिट कर, तो एटलीस्ट आपको स्टॉप लॉस वाला मैं दिखा चाहता एटलीस्ट दिखे तो बेटर रहता है। तो कभी कभी होगा, इससे ये नहीं कि सभी के सभी ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं जिससे आपके 100% प्रॉफिट में जाएंगे तो स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, पर चांसेस क्या है अगर ब्रेकआउट के बाद हो बेटर रिजल्ट मिलेंगे, 70-80 तक जा सकते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूस में भी आपको अच्छे से रिजल्ट मिल सकते हैं, वहां पे थोड़ा 60 थोड़ा कम होगा ब्रेकआउट के बाद से, पर इस तरीके से आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, तो बाकी चलते हैं हम अपने डेक में अगेन। ओके, तो चार्ट में देखा अभी यहाँ पर हमारा सेशन, तो जस्ट मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा, जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे नहीं पता है जिसके बारे में, वैसे सभी जो है फॉरेक्स सैलरी से मुझे जानते हैं, वहां पर मेरा यूट्यूब चैनल है, एजुकेशनल वीडियो बनाते रहता हूँ फॉरकास्ट, अगर आप वहां पर मुझे फॉलो करें तो कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है, मैं और कोई सिग्नल या कॉल्स नहीं देता हूँ, ना ही मेरा कोई वो मकसद है, forexsalary.india@gmail.com पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम वहां पर मैं चैट में रिप्लाई करता हूँ विद इन सेम डे या नेक्स्ट डे तक आपको रिप्लाई करता हूँ। आपका अकाउंट अगर टिकमिल में खोलना चाहे तो मेरे अंडर खोल सकते हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है टिकमिल से रिलेटेड आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का चैनल है जो यूट्यूब के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ही फॉलो कीजिए क्योंकि काफी स्कैम है, और टेलीग्राम पर दोनों जगह पर वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा, कोई भी क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम हो डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, पहले मैं आपसे फीडबैक चाहूंगा फ्लैग पैटर्न के बारे में, कुछ सीखने को मिला आप यहाँ पर आए राकेश दुबे जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यस यस Great guys. Thank you. Yes. 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 मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, दानी जी दोबारा रिपीट कीजिएगा, जस्ट मैं बहुत अच्छा स्टडी, थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू सभी के लिए जिन्होंने भी फीडबैक दी कि आपको कुछ सीखने को मिला, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ मेरे साथ यहाँ पर है, ठीक है आके चलते हैं। चलिए अब बताइए क्वेश्चन क्या है आपके, क्या डाउट्स हैं, क्या चलते हैं। एनीथिंग वॉल्यूम प्रोफाइल इन वेबिनार इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। देखिए वॉल्यूम में एक डाउट रहता है तो वेबिनार में जरूर कवर करूंगा मैं, इस टॉपिक को जरूर नोट करता हूँ मैं। देखिए अभी पेन कॉपी ले लेता हूँ ताकि आप कोई, पहले तो मैं चाहूंगा कि आप टॉपिक सजेस्ट कीजिए वेबिनार्स के लिए, क्या क्या मैं कवर कर सकता हूँ, बोल रहे हैं वॉल्यूम के लिए आप करना चाहते हैं, ठीक है पहले इसी चीज को कर लेते हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं बाद में या टाइम कम ना रहे। वॉल्यूम हो गया, चलिए और बताइए और क्या क्या टॉपिक चाहते हैं। थैंक यू ऋत्विक जी, थैंक यू ओपी शुक्ला, थैंक यू यादव जी, थैंक यू तुषार, थैंक यू हरजीत, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। डबल बॉलिंजर बैंड, ठीक है चलिए बॉलिंजर बैंड हो गया, और क्या टॉपिक चाहते हैं। थैंक यू सुनील, सर एंट्री लेट समय कैंडल एंट्री कैसे लें सर, कैन इट्स पॉसिबल इट्स रिकॉर्डिंग। शुक्ला जी मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पर डाल दूंगा आपको, एक या दो हफ्ते में ये वेबिनार आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, अगर आप मिस कर जाते हैं आप इसको बार बार देख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम प्लस ब्रेकआउट स्टडी, देखिए वॉल्यूम फॉरेक्स में एक चीज है मैं आप कवर करना चाहूंगा, चलिए मैं अभी नोट कर लेता हूँ। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर तो मैं कर चुका हूँ राकेश दुबे जी, आप चाहते हैं मैं दोबारा करूंगा, ओके। फेक ब्रेकआउट मैं सभी नोट कर लेता हूँ, जो मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए मैं जरूर करूंगा। सर मैं स्विंग ट्रेड 4 आवर टाइम फ्रेम पर यूज कर रहा हूँ लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, टाइम फ्रेम चेंज करने से फायदा होगा। ATR का यूज कीजिए, तो जो बिल्कुल डाउन है उससे नीचे मत लगाइए, जो स्विंग लो हो उससे एक ATR या 1.5 नीचे जाइए। बायर और सेलर कहाँ बैठे हैं, ओके। स्कैल्पिंग रेंज में हो तो कैसे ट्रेड कर, ये अच्छा है, रेंज की अभी तक मैंने कुछ कवर नहीं किया तो ये एक अच्छा हो। ऑप्शन चेन फॉरेक्स में होता है ऑप्शन चेन, सप्लाई एंड डिमांड, और बताइए वॉल्यूम इंडिकेटर को चार्ट पर कैसे समझाएंगे सर ये बताइए। देखिए वॉल्यूम के ऊपर भी करेंगे फॉरेक्स में, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था अभी बहुत जल्दी जा रहे हैं तो मैं शायद मिस कर जाऊं, बताना चाहता था वॉल्यूम फॉरेक्स में एक ब्रोकर की दिखती है, ये सेंट्रलाइज मार्केट नहीं है जो कि स्टॉक की तरह आप देखते हैं ना, सभी ब्रोकर की एक जगह पर की क्या वॉल्यूम है उस टाइम पर। फॉरेक्स जो है डिसेंट्रलाइज है, सभी ब्रोकर की अपनी वॉल्यूम है, जो उनके पास ट्रेड है उसके वो दिखाते हैं, तो जस्ट उसके बेस पे आप ये समझिए जो वॉल्यूम आपको दिख रही है वो उस टोटल मार्केट की वॉल्यूम है, वो केवल उस ब्रोकर की है, तो इसलिए ज्यादा उस पर आप फॉरेक्स में तो बिल्कुल उस पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते। सर स्विंग लो की जगह एंट्री प्राइस से भी 2 ATR वैल्यू पर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं क्या, जिससे स्टॉप लॉस कम रख पाए, कर सकते हैं दो, फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा हो जाएगा। SMA के साथ आज का स्टडी ब्रेकआउट पर एक क्लैरिफाई, SMA के साथ आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। मैं जस्ट अभी प्राइस एक्शन आपको सिखाना चाहता था क्योंकि चार्ट पैटर्न की बात करें तो इंडिकेटर में ज्यादा यूज करना नहीं चाहता, आप उसको करना चाहते हैं इसके साथ लगा सकते हैं। इचिमोकु क्लाउड, ओके चलिए एक और इंडिकेटर है इचिमोकु क्लाउड, ट्रैप्स, आई लव योर टीचिंग्स, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू आपकी फीडबैक के लिए। स्विंग के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, स्विंग के लिए मैं कहूंगा 4 आवर डेली बेटर, 1 आवर आप इंट्राडे के लिए यूज करेंगे तो बेटर, एंट्री के लिए जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें। राकेश दुबे जी हाँ ट्रैप के लिए मैंने कर लिया, ठीक है। टाइम एक्शन, टाइम एक्शन थोड़ा मेरे को एलेबरेट कीजिएगा, अगर ईमेल में मेरे को भेजें क्या आप कहना चाहते हैं इससे। सर GR30 स्क्रिप्ट क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है GR30 जर्मनी 30 है जो इंडेक्स आप जर्मनी की है उसको आप पूछ रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग डिपेंड करता है ब्रोकर अगर अवेलेबल करते हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं जब आप CFD अकाउंट यहाँ पर टिकमिल के साथ बनाएंगे। स्मार्ट मनी, ओके यहाँ पर बात कर रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन, ठीक है। ट्रैप पे हो गया सर राकेश जी, हाउ टू आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशन जोन, ओके थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू निशान जी। सर RSI का डिफॉल्ट के अलावा कोई सेटिंग यूज कर सकते हैं क्या, कि RSI की सेटिंग अगर आप 14 लेना चाहें 14 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 9 पे जा सकते हैं, 14 21 बेटर है, पर 21 में फिर वही जैसे मैंने बोला मैं बोलता रहता हूँ
इंडिकेटर की सेटिंग को जितना डाउन करते जाएंगे सिग्नल फास्ट होते जाएंगे, एक्यूरेसी कम होती जाएगी। सेटिंग को बढ़ा देंगे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, पर जो मिलने के चांसेस हैं, जो सिग्नल है वो कम हो जाएंगे। फिर आप, ये आपकी पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिए किस चीज को आप चाहते हैं, डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम में। ठीक है, इच्छू मेरे को क्लाउड के ब्रेक के वेबिनार जी। ठीक है, थैंक यू अजीत जी। इसके बारे में दो लोगों ने बोल दिया। आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं? जी करता हूँ क्रिप्टो में ट्रेडिंग। योर एफर्ट्स एंड डिवेंस आर रियली गुड गुड हेल्प। थैंक यू शुक्ला जी आपकी फीडबैक के लिए। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाओगे? करते हैं हम थर्सडे फ्राइडे को है, हम थोड़े पेयर्स के बारे में बात करेंगे। वहां पर हम पेयर्स ट्रेडिंग में किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब क्रिप्टो में ट्रेडिंग हो चुका है सर। जो सम सर जी सम ट्रेड हम लोग टर्म तक ओपन रख सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सुनील गवाली जी, आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए ओपन कर सकते हैं। जस्ट कंसिडर कीजिए जिस ब्रोकर में स्वैप फ्री है तो आपको स्वैप चार्जेस ना देने पड़े। ठीक है, तो ऐसा ब्रोकर चुनिए जिसमें स्वैप चार्जेस, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो स्वैप फ्री हो तो बेटर रहेगा। इंस्टीट्यूशन जोन इज ऑलवेज फाउंड इन कॉन्ट्रेक्शन फेज वेयर ट्रेड इज बैलेंस मोड। इंस्टीट्यूशन जोन के बारे में मैं लिख चुका हूँ, हाँ ये हो चुका है। स्विंग के लिए बेस्ट टाइम क्या है और कितने दिन तक वेट करना होता है फॉर टेकिंग प्रॉफिट? स्विंग के लिए बेस्ट टाइम 4 आवर डेली है आपके, इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। आपका स्विंग ट्रेड 2 दिन से लेके 5-6 दिन या 10 10 मैक्सिमम दिन में कहूंगा इतना जा सकता है। अगर वो इससे ऊपर जा रहा है फिर तो मैं कहूंगा कि आप उस ट्रेड को ज्यादा टाइम दे रहे हैं। 10 मैक्सिमम स्विंग ट्रेड आपका क्लोज हो जाना चाहिए जो कि 4 आवर की बेस पे एंट्री हो, आपने डेली को भी कंसिडर किया हो तो 10 डेज मैक्सिमम, विदिन 2 4 5 डेज 7 डेज ये नॉर्मल टाइम, 10 तक मैक्सिमम हो सकता है। ओवरनाइट होल्डिंग के क्या रूल है सर? ओवरनाइट होल्डिंग आप कर सकते हैं पर आपको स्वैप चार्जेस देने पड़ते हैं अगर ब्रोकर आपसे स्वैप चार्जेस लगाता है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्वैप चार्जेस के लिए, उसको देखिएगा कि कहां पर किस ब्रोकर में फ्री है कहां पर नहीं है, क्या लगते हैं, किस टाइम पर वो ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक एक रेट रहता है और थर्सडे को वो ट्रिपल लगते हैं। अगर थर्सडे को आप होल्ड करेंगे तो जो स्वैप चार्जेस नॉर्मल रेट चल रहा था ना थर्सडे को लग रहता है, बाय के लिए अलग रहेगा सेल के लिए अलग रहेगा, हर पेयर में अलग रहेगा। तो कोशिश कीजिए स्वैप फ्री अकाउंट खोलिए जिस ब्रोकर में आपको मिलता हो, नहीं पता है मेरे को ईमेल में बताइए, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ईमेल यहाँ पर आप देख सकते सर। ऑयल पे भी कोई स्ट्रेटेजी लाओ? ओके, ऑयल पे भी जो भी आप, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गोल्ड क्रिप्टो फॉरेक्स में आप ये चीजों को अप्लाई करेंगे, स्टॉक में मैं नहीं कहूंगा कि आप स्टॉक को इस पे लगाइएगा। बोलिंजर बैंड की रेंज क्या रखनी चाहिए? बोलिंजर बैंड के लिए ऊपर मैंने नोट कर लिया है जादव जी, तो उसके ऊपर हम पूरा वेबिनार करेंगे, 2 3 लोगों ने इसके बारे में पूछ चुके हैं। सर स्विंग में कैसे ट्रेड करूं, शॉर्ट में बताओ, स्विंग में कैसे ट्रेड करूं? 4 आवर डेली के बेस पे ट्रेड कीजिएगा और 3 या 4 दिन तक आपका टारगेट प्रॉफिट रहेगा, स्वैप फ्री अकाउंट खोलिएगा ताकि आपको स्वैप चीजें ना लगे। राकेश गोजी, इससे शॉर्ट में नहीं बता सकता सर। व्हेन इज नेक्स्ट सेशन? नेक्स्ट सेशन हर थर्सडे को है, तो हर थर्सडे को नहीं है, जो नेक्स्ट ट्यूसडे को है, नेक्स्ट थर्सडे को। तो हमारा इस वीक में ट्यूसडे थर्सडे को था और नेक्स्ट वीक में भी ट्यूसडे थर्सडे को 9 PM पर ही रहेगा। अगर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वहां पर मैं इसको पॉइंट कर दूंगा और स्टोरी पर, और जो मेरा ये जो चैनल है टेलीग्राम का इस पर भी मैं वहां पर पोस्ट कर दूंगा। सर क्या फोरेक्स एंड ऑप्शन सेम? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। आशुतोष जी ओके, बोलिंजर बैंड के ऊपर ये चौथा कमेंट है। ठीक है, विशाल जी बोलिंजर बैंड का वेबिनार और प्राइवेट पॉइंट, प्राइवेट पॉइंट ये एक और इंटरेस्टिंग है। बोलिंजर बैंड मेरा पहले से हाई लिस्ट पे आ चुका है, सबकी डिमांड उसी पे है। सर आप ट्रेडिंग वीडियोस वेबिनार पेड कोर्स मींस टोटल योर प्रोफेशनल लाइफ सबसे कैसे मैनेज करते हैं, प्लीज हमें भी गाइड कीजिए। देखिए मैं ट्रेडिंग, आपको जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम चार्ट के आगे बैठ जाए। ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग का टाइम फिक्स कीजिए। अगर मैं यूरोप सेशन ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे मैं आज कर रहा था या मैं कल कर रहा था, तो मैं यूएस सेशन को ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप इतने कॉन्सेंट्रेट नहीं रह सकते हैं। जो आप अगर यूरो सेशन में कमाया है आप यूएस सेशन में आप बाद में उसको वापस कर दें, तो जो आपने प्रॉफिट कमाया था, तो कोशिश कीजिए कि आपने जो ट्रेड मिल रहे हैं सेटअप मिल रहे हैं, मैं एक सेशन में कर रहा हूँ, अगर मैं यूरो सेशन को ट्रेड कर रहा हूँ तो फिर मैं यूएस को नहीं करूँ, अगर मैं यूएस को कर रहा हूँ तो मैं यूरो को नहीं करूँगा। एक सेशन पकड़ लीजिए अगर आप जो भी टाइम मिलता है आपके अकॉर्डिंगली, दोनों में से कभी ये वो भी ठीक चलेगा। ठीक है, जस्ट फाइंड आउट कीजिए एक सेशन और कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो आपके सेलेक्टेड पेयर्स हैं, एक दो स्ट्रेटेजी जो आपने पकड़ी हुई है जिसको टेस्ट किया हुआ, ट्राई कीजिए ट्रेड कीजिए, मिलता है सेटअप ठीक है, नहीं मिलता है नेक्स्ट डे, मार्केट 24 आवर्स है 5 डेज है, तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेने। ठीक है,
तो अगर हफ्ते में आपको 3 या 4 दिन मिल जाते हैं, ओके, उसके बाद जरूरी नहीं कि आपको ट्रेडिंग चार्ट के आगे सामने बैठे ही रहना 24 आवर्स। फिर तो आप बस उनको, मैं कहूंगा, मैं कहना चाहता ब्रोकर को रिच बना रहे हैं, ठीक है। अब वही उनको पे करते जाएंगे, ठीक है। तो आप फिर अपनी बैलेंस बना के चलिए। आप 24 आवर्स या जॉब पे भी रहते हैं क्या? पूरी तरीके से वहां पर भी नहीं बैठे रहते हैं? ब्रेक लेते हैं तो यहाँ भी ब्रेक लेना पड़ेगा। सर आप फ्री में क्यों सिखाते हो? मतलब आपका कुछ गोल है क्या सर? और वही लोग कोर्स के 25,000 लेते हैं पर आप बहुत अच्छा सिखाते हो। फ्री में क्यों सिखाता हूँ? देखिए, कुछ एजुकेशन है जो मैं नहीं मिल पाई मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था। 4-5 साल मेरे वेस्ट गए और मैंने बहुत मनी लॉस की, ठीक है। मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली और जो मैं देख रहा था इंडिया में भी कुछ गाइडेंस नहीं है इस फील्ड में। तो इसीलिए यूट्यूब पर भी काफी अच्छा कंटेंट डाला हुआ है। जो कोई पर्सनली सीखना चाहते हैं पर्सनली भी सीख सकते हैं, और वहां पर मैं लिमिटेड नंबर ही बैच में लेता हूँ कि मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पर्सनली चाहते हैं कि मेरे से सीखना चाहते हैं, तो कोई बैच हर महीने बैच रहता है तो पर लिमिटेड स्टूडेंट्स। तो पर उसको मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, ना ही मुझे उसकी जरूरत है। तो अगर किसी को इंक्वायरी रहती है, मैं इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालता हूँ उसके बारे में कि मंथली बैच कब स्टार्ट होने वाला है। हर महीने रहता है, बिगिनिंग स्टार्ट होता है। अगर ईमेल में आप मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द वो फुल हो जाता है, लिमिटेड स्टूडेंट रहते हैं ताकि वो पूरे कंसंट्रेट, क्वेश्चन आंसर सारा कुछ डीपली वहाँ पर रिप्लाई हो सके। उसके बाद जो भी है सारा कुछ मैं चाहता हूँ कि सब सीख सकें, और मेरे को फीडबैक मिलती रहती है कि उन्हें फायदा हो रहा है, प्रॉफिटेबल है। इससे अच्छी फीडबैक क्या है? आपका हेल्प हो रहा है, मैं अपनी उससे कमा रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पर और ब्रोकर्स भी हैं जो ये वेबिनार वगैरह है। तो अगर आप सीख सकें, कुछ अप्लाई कर सकें, बहुत ही अच्छा फील्ड है, फ्रीडम है। देखिए पैसा दूसरी बात है, जो इस फील्ड से फ्रीडम मिलती है ना बहुत अच्छी। तो जब मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद जो फ्रीडम है, आप जो काम करना चाहें कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा टाइम ले गया उस क्वेश्चन में, ठीक है। करेंसी को स्कैन करने का तरीका, एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, मीटर वो देखिएगा। सर साइकोलॉजी के लिए कोई बुक बता सकते हैं? बुक के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो देखिएगा। सर स्विंग ट्रेड पे डिटेल में वीडियो बनाइए, ओके। स्विंग ट्रेड नोट कर लेता हूँ मैं। काश क्वेश्चन बहुत तेज आ रहे हैं तो मैं सभी को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, 5 मिनट है। दूसरा है वाइक ऑफ थ्योरी, ओके। ऐसे ऐसे नाम है कभी तो मैंने सुने भी नहीं है। सर सस्टेनेबल वे में अकाउंट को ग्रो करने के लिए पर ट्रेड 30% कितना रखें? 5% से कभी मत जाइएगा ऊपर अगर आपको सस्टेनेबल वे में आपको ग्रो करना है। मैकडी पर भी वीडियो बनाओ, मैकडी पर कवर किया हुआ है शायद मैंने। करंट मार्केट में मोस्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और फिर वो प्राइस भी मार्केट आ रही है। अगर स्विंग ट्रेड हो, रेंज बन रही है तो ट्रेड मत कीजिए। जरूर थोड़ा ना ट्रेड करना है, आपको सेटअप मिल रहा है तो मिलिए, नहीं तो मत ट्रेड कीजिए। सर व्हाट इज योर हाईएस्ट प्रॉफिट इन वन डे? सर सॉरी सर फॉर एक्सेल, मैं देखिए पर्सनल ट्रेड ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, उससे आपको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। कभी कभी अगर लर्निंग लेसन है जरूर मैं शेयर करता हूँ, पर डिपेंड करता है। देखिए ये है मेरे अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई बड़े अकाउंट है छोटे अकाउंट है सबके अलग अलग मोटिव है कि इसको अकाउंट को कैसे ग्रो करना है। अगर छोटा अकाउंट है उस पर तो मैं रिस्क भी ज्यादा ले सकता हूँ, अगर पूरा ब्लॉक भी हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े अकाउंट में 1-2% उसमें भी रिस्क है, तो डिपेंड करता है। मैं ज्यादा यहाँ पर पर्सनल इनकम को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। सर जिस रूल से फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो क्या ऑप्शन स्टॉक में यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं पर उसके लिए और भी फैक्टर आपको लगाने पड़ेंगे। आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं, थैंक यू अजीत जी। धर्मजी जी सर क्या एक पेयर पर फोकस करके ट्रेडिंग करना ठीक है? ओके, कर सकते हैं पर आपको वैरायटी भी चाहिए होगी, ठीक है ना। अगर आपके पास पेशेंस इनफ है कर सकते हैं आप भी। सर जी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, थैंक यू सर। पहले मुझे फॉरेक्स मार्केट का एबीसी कुछ नहीं पता था पर अब मैं आपसे ट्रेनिंग लेकर रोज प्रॉफिट में रहता हूँ। थैंक यू विशाल जी, इससे अच्छी फीडबैक, यही फीडबैक मैं चाहता हूँ। देखिए आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप एक सेकेंड इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, इससे अच्छी फीडबैक मेरे लिए नहीं। यही मेरे लिए ब्लेसिंग है और यही मेरे लिए एक फीडबैक है, यही मेरे लिए एक क्या आपको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ जो मुझे नहीं मिला था जब मैं अपने आप को एक तरीके से कहूँ कि मैं छोड़ने वाला था, पर वही स्टिक रहा, कंटिन्यू किया। और वही अगर आप, कई लोग ऐसे होंगे आप में से काफी प्रॉब्लम आ रही है, लॉस में चल रहे हैं, पर वही अच्छी टेक्निक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती, मेंटर जो मुझे नहीं मिला था, वही जस्ट मैं उस गैप को थोड़ा अगर मैं 1-2% भी फिल कर पा रहा हूँ दैट्स अ सेटिस्फेक्शन, बस और कुछ नहीं चाहिए। सर एडम को एक सिंगापुर के यूट्यूबर है फॉरेक्स के बारे में ट्रेडिंग, ओके। नहीं मैंने कहा, मैं गॉड कीप यू ऑलवेज हैप्पी, थैंक यू शुभम जी। जी समय सर क्वेश्चन एंड आंसर, ओके। एंड एम ए भी कुछ पढ़े हुए हैं, देखिए मैं तो चैट में ही फंसा हूँ यहाँ पे। आप इंस्पिरेशन है सर मेरे लिए, थैंक यू राकेश जी, बहुत बड़ी वर्डिंग है मेरे लिए, मैं इतना बड़ा कुछ हो नहीं हूँ। सर क्या आप फंड्स मैनेज कर? नहीं मैं करता हूँ, पहले करता था अब नहीं करता हूँ। सर आपका एक वीडियो है माय फेवरेट कैंडल स्टिक फॉर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, उसको क्रिप्टो क्रूड ऑयल में यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, 5 मिनट में कर सकते हैं, क्रिप्टो में यूज कर सकते हैं।
पर क्रिप्टो में बहुत ज्यादा वोल्टिलिटी, जब वोल्टिलिटी ज्यादा हो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है ना। इस टाइम पर सर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोर्स किया है, किया था, देखिए उस टाइम पर जो टीचर थे उस टाइम पर वो फेमस नहीं, पॉपुलर नहीं है, मैं नाम बता दूं आपको पता भी चला कौन था, ठीक है। तो उस टाइम पर जो पर्सनल ट्रेनिंग वहां पर जो मिली मुझे, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने किया। पर बात वही है, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस है, लूजिंग से ब्रेक इवन में आना और ब्रेक इवन से फिर प्रॉफिट में, ये स्टेप अगर जब पता चला। मैं पहले प्रॉफिट के लिए सोच रहा था, लॉस से सीधा प्रॉफिट, वो बल्कि वो एक स्लो बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। क्यू एन ए में आ जाता हूँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक्सनेस पे भी स्टार्ट, मैं एक्सनेस नाम ले, क्या उसमें इंटरडे के लिए भी देते हैं तो उसके 3 ट्रेड ले सकते हैं? ले सकते हैं बिल्कुल राकेश जी, वहां पर ले सकते हैं। एमए स्टडी मूविंग एवरेज के ऊपर वेबिनार कर चुका हूँ दीपांकर जी, उसको देखिएगा। कैन बी यूज ट्रेडिंग व्यू चार्ट डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ MT5? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए जो MT5 आपका है ब्रोकर ने प्रोवाइड किया वो ट्रेडिंग व्यू से मैच कर रहा है। अगर दोनों में डिफरेंस होगा फिर आप कहेंगे मैंने एंट्री वहां पर लगाई थी, स्टॉप लॉस वहां पर लगाया, दोनों डिफरेंस हो जाएंगे। सर जी मेरे 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिट में आते हैं बट मेरे 3 ट्रेड लॉस में जाते हैं, तो पूरा प्रॉफिट लॉस पूरा कैसे हो जाएगा? रिस्क मैनेज कीजिए सुनील जी, मेरा रिस्क मैनेजमेंट का भी वेबिनार था, वो देखिएगा आप, ये आपके लिए ही होगा, आंखें खुलेंगी आपकी उससे, ठीक है, यूट्यूब पर है वो। आरपीजी डिमांड एंड सप्लाई, ओके नोट कर चुका हूँ जी। अजीत शर्मा सर जब आप सिखा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम इजीली ट्रेडिंग कर लूंगा, सब कुछ बहुत सिंपल सा लगता है, पर जब मैं लाइव मार्केट में जाता हूँ मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है सब कुछ, और मैं सिर्फ मार्केट को देखता जाता हूँ पर कोई सही ट्रेड नहीं ले पाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? कितने देर तक देखते हैं अजीत जी, एक टाइम फिक्स कीजिए, क्या स्ट्रेटजी है उसको देखिए, क्या ये स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग पेयर को कम कर दीजिए, 2-3 पेयर लीजिए शुरू में, एक स्टेट मेरे एक पॉडकास्ट की सीरीज है, 10 स्टेप्स हैं वहां, उन स्टेप को बार बार सुनिए, आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। उस पॉडकास्ट को सुनिए जरा, उनको बार बार आप सुनेंगे, मुझे ईमेल में आप बताएंगे उससे आपको क्या फायदा। स्ट्रेटजी आर ऑलवेज यूजिंग, देखिए मैं 4 to 5 जो बेस्ट है जो मेरे लगती है उनको मैं यूज करता हूँ, काफी यूट्यूब पर भी आपको दी हुई है, आप इनमें से किसी में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बेस्ट ये है बेस्ट ये, रिजल्ट आपको जो मैं शेयर कर रहा हूँ सभी से मिलेगा, सभी टेस्टेड स्ट्रेटजी है। यहाँ पर मैं चैट में देख लेता हूँ क्वेश्चन में, तो कुछ यहाँ पर मैं मिस कर गया हूँ तो माफ कीजिएगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1-2 मिनट है जस्ट सर आपका एक्सप्लेन करने का, तरीका बहुत ठीक, थैंक यू प्रहलाद जी। ओके गाइज, अगर क्वेश्चन में मिस कर गया हूँ, अगर आपके जवाब नहीं मिले प्लीज ये जब मैं यूट्यूब पर डालूंगा आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे को ईमेल में पूछ सकते हैं, जो भी अगर आपके कोई डाउट है या इंस्टाग्राम पर मैं वहां पर भी रिप्लाई करूंगा, जो भी कमेंट्स होंगे सबके रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और सभी का धन्यवाद जो यहाँ पर ज्वाइन किए। जैसे मैंने बोला 2 अभी वेबिनार हो रहे हैं हमारे, नेक्स्ट वीक में 2 वेबिनार हैं, ट्यूसडे थर्सडे को 9 PM पर, ठीक है, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, और सेफ रहिए, ट्रेड भी करते रहिए, और कैरियर बन सकता है, जस्ट स्टे रहिए, स्टिक रहिए, किसी चीज से चिपक के रहिए। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, बहुत ही अच्छी ऑडियंस है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं होपफुली आपके जवाब दे पाया हूँ। थैंक यू, गुड नाइट।